हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नव भारती फैमिली। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्लास 11th जो है वो चल रहा है हमारा और चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था जो था लैम्डा निकालने का डायरेक्ट, दैट इज 1/λ = R z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। साथ ही साथ मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज और बता रही हूं, पहले ही बता रही हूं कि आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो R की वैल्यू याद ना रख के आपको क्या याद रखना है, 1/R की वैल्यू, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब 1/R की वैल्यू क्यों याद रखने को कह रही हूं मैं, ये 911 है बेसिकली, है ना, 1/R = 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको क्यों याद रखने के लिए कह रही हूं, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ ना, जो अलग अलग टाइप के लैम्डा के वेवलेंथ थे उनके बंडल बनना स्टार्ट हो गए। समझाती हूँ आपको कैसे, कि सपोज करिए यहां पर एक एनर्जी लेवल है, शेल कौन सा है, N = 1। ठीक है, यहां पर मैं इसको N = 1 लिखती हूँ, N = 1 पे यहां पर है कोई एनर्जी लेवल जो कि N = 2 पर है, यहां पर है कोई शेल, कोई एनर्जी लेवल जो N = 3 पे है, N = 4 पे और पास हो जाएगा, दैट इज N = 4। 5 पे और पास हो जाएगा, दैट इज N = 5। फिर और पास होते 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और आगे बनाते हैं इन्फिनिटी, और आगे बनाते हैं इन्फिनिटी तक आ गया। ठीक है, ये सारे क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अब आप देखो कि आप कहोगे मैम यहां पर तो गैप ज्यादा है, यहां पर कम फिर कम फिर कम, ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है अगर हाइड्रोजन आइटम के लिए जो ये लाइन थी ना, इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या आया -3.4। तो देखो कितना, मतलब अब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, फिर N = 3 पर कितना आया था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जगह कम होती जा रही है ना, मतलब वैल्यूज तो बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में ही सही। ठीक है, तो इनके बैंड और पास पास आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, बात आई समझ में, गैप आप देखो गैप कम हो रहा है ना, बेसिकली गैप कम हो रहा है, यहां पर -13.6 था, यहां पर -3.4 है, तो गैप कम हो रहा है, इस वजह से जो है इनके बैंड्स भी, इनके जो लेवल्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे इनका गैप भी कम हो रहा है। अब आप देखो, आपको पता है, मैंने आपको बताया, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ना हीट मिलती है तो वो क्या करता है, एक्साइट हो जाता है, और जब ये अपर लेवल पे आ जाता है ना, यहां पर आ जाता है, तो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन वो अपर लेवल पे रह नहीं सकता, हाईएस्ट एनर्जी उससे मतलब हो नहीं सकती, वो हाईएस्ट एनर्जी पर रह नहीं सकता, तो वापिस वो डी एक्साइट होकर उसी लेवल पर आता है। तो इसको तो हम बोलते हैं एक्साइट होना, और इसको हम बोलते हैं डी एक्साइट होना। ठीक है, तो आप देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर नंबर ऑफ शेल्स जो N = 1 है, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हुए, और मान लो एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन N = 2 यानी इस शेल पर आ गया एक्साइट होकर, लेकिन अब वो डी एक्साइट भी होगा, पर डी एक्साइट जब वो होगा तो कौन से लेवल पर आएगा, वापिस से 1 पर आ जाएगा और एनर्जी छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो सकता है N = 3 पर आके इलेक्ट्रॉन वापस से डी एक्साइट हो रहा है और वापस 1 पर आ गया, ऐसे ही मान लो 2 पर हो गया, 3 पर हो गया, 4 पर है कोई इलेक्ट्रॉन, वापस चला गया इलेक्ट्रॉन 1 पर था, एक्साइट होकर 4 पे चला गया, और अब वापस से वो डी एक्साइट हो रहा है, वापस से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, मान लो कि 5 पर है, 5 पर था, एक्साइट होकर चला गया और वापिस से वो 1 पर आ रहा है। तो ऐसे जितने भी ऐसे सीरीज जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चला जाए और वापस डी एक्साइट होकर अगर वो 1 पर आता है, नंबर ऑफ शेल किस पे, 1 पर आता है, N = 1 जो पहली शेल है उसमें आता है अगर, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, जब ये किसके लिए है, जब N = 1 से पर आए सारी चीजें, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर कहां पर आ जाए, N = 1 पर आ जाए, बात आई समझ में, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। क्योंकि जो इसके बेसिकली जो जिन्होंने फाइंड आउट की थी ना इन वेव्स को, ये वेव्स हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। ठीक है,
ठीक है। तो इन लाइमन वेव्स भी बोलते हैं इनको, बट ये पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और ये एक एक चीज क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो आप देखो जो लाइमन थे इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, तो उन्हीं के नेम से इसको रख दिया। तो चलो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसके बीच का जो लैम्डा है वो कितना होगा, इसके बीच का लैम्डा कितना होगा। तो ये फाइंड आउट करते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं लैम्डा। वन अपॉन आर की वैल्यू लो, मैं यहां लिख देती हूँ, ध्यान रखना आप लोग। वन अपॉन आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलो अब ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है ये वाला, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो रखते हैं, लैम्डा निकालना है हमें। तो वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर की वैल्यू बाद में रखेंगे जेड, ये हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं अपन। किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो वन हो गया, जेड इज इक्वल टू वन स्क्वायर, ठीक है। अब पहली कंडीशन हमारी, मैं किसके लिए निकाल रही हूं, मैं किसके लिए निकाल रही हूं, मैं ये वाला निकाल रही हूं, पहला ये वाला निकाल रही हूं, देखो ये। और ये कौन सा है, जब n इज इक्वल टू टू से किस पर आया, n इज इक्वल टू वन पर आया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप देखो वन अपॉन एन वन क्या है हमारे पास, वन, वन का स्क्वायर माइनस एन टू क्या है हमारे पास, टू, तो टू का स्क्वायर। वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, वन की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वन माइनस वन बाय फोर, ठीक है। ये कितनी वैल्यू है, ये वन में से वन बाय फोर जाएगा तो कितना बचेगा, थ्री बाय फोर, कितना हो जाएगा, थ्री बाय फोर, ये आ गया। अब अगर लैम्डा निकालूंगी तो कितना जाएगा, रिवर्स कर दे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन आर फोर बाय थ्री, यही रहेगा ना, उल्टा हो जाएगा। इतनी तो इंग्लिश, इतनी तो सॉरी गणित आती होगी आप लोगों को, ठीक है। और आपको पता है वन बाय आर की वैल्यू क्या होती है, वन बाय आर की वैल्यू कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 4/3। इसलिए मैंने कहा था कि वन बाय आर की वैल्यू रखना, वन बाय आर की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे ना तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये याद करने के लिए कहा था। तो देखो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आती है, क्या निकल के आएगी, 1215 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो यानी ये जो सीरीज है ये कितनी हो गई, 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये अप्रोक्स है। तो अगर इसी तरीके से आपको इस लाइन के लिए कहे तो निकाल सकते हो क्या, क्योंकि ये कितने में है, n इज इक्वल टू थ्री में, और यहां पर n इज इक्वल टू वन, होगा क्या कि यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा, थ्री से वन में आया ना ये वाला, थ्री से वन में आया ये वाला, थ्री से वन में आया, तो यहां पर टू की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, वन में तो वन ही रहेगी, टू के लिए क्या आ जाएगी, थ्री का स्क्वायर, ठीक है। थ्री का स्क्वायर कितना होता है, यहां हम लोग थ्री के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, वापस से, तो वन माइनस वन अपॉन नाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, r, 9 × 9 8/9, ठीक है। अब अगेन लैम्डा की, ये तो 1/λ है, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 9/8 1 अपॉन r, ऐसे करके जो n इज इक्वल टू 3 to 1 से भी जो है हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है, ठीक है, निकाले, जब क्या है n इज इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके वन से आए, मतलब यहां से जाके डायरेक्ट यहां पर आए, तब क्या होगी वैल्यू, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड के लिए वही वन की स्क्वायर, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो होता है, ये टर्म कैंसिल, बचा क्या, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, यानी लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 911 एंगस्ट्रॉम इन्फिनिटी पर, कब, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से कहां पर आ रहा था, वन पे आ रहा था, यानी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 911 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखो जिसका एनर्जी बैंड, जिसका एनर्जी जो एक्साइट डी एक्साइट लेवल है, ये देखो कितना कम है, उसकी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जिसका जो एनर्जी लेवल है डी एक्साइट होने का, जो मतलब ट्रांजिशन है बेसिकली, इसने तो कम दूरी तय करी, इसने ज्यादा दूरी तय करी, तो भी देखो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर लैम्डा यानी वेवलेंथ ज्यादा हो तो जो ट्रांजिशन है, जो क्या है, ट्रांजिशन है, जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज, और हम इससे ना एक स्पेशल फॉर्मूला बना सकते हैं लाइमन सीरीज का, कैसे, इसी फॉर्मूले से, देखो कैसे, वन अपॉन लैम्डा है, ठीक है, आर फिक्स है,
जेड स्क्वायर, कोई बात नहीं, जो भी होगा उससे पता चल जाएगा। अब एन वन तो आपको पता है ना, हमेशा डी एक्स आई होकर आएगा तो वन पे ही ना, तो क्या रख सकते हैं, वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन जो भी यहां पर एन होगा ना उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीज कैंसिल होगी, बस वन माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर जो भी यहां पर वो सारे एन जो कि मतलब जहां से वो डी एक्स आई होकर आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप स्पेशली जो है लाइनर सीरीज के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी है। दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो लाइमन सीरीज होती है ना, बेसिकली जो लाइमन सीरीज है वो विजिबल नहीं होती है। लाइमन सीरीज विजिबल नहीं होती है क्योंकि जो विजिबल रेज होती है वो कम से कम 4000 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो इनकी जो रेंज है वो इससे कम है, ये लाइमन सीरीज विजिबल नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी रेंज में आती है, ये आती है अल्ट्रा वायलेट रेंज में। किस रेंज में आती है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो यूवी जो रेज होती है उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो लाइमन सीरीज को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, ये विजिबल रेंज में नहीं होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट चीज पे। जिस तरीके से हायर लेवल पर जाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डी एक्साइट होकर शेल नंबर वन पे आ रहे थे ना, तो ऐसे ही हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर जाकर शेल नंबर टू पे आए। देखो समझाती हूँ मैं आपको। सपोज करो ये तो एन इज इक्वल टू वन है, ये एन इज इक्वल टू टू है, ये एन इज इक्वल टू थ्री है, ये एन इज इक्वल टू फोर है, ये एन इज इक्वल टू फाइव है, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सपोज करिए एन इज इक्वल टू वन वाला तो हमने काउंट कर लिया। सपोज करिए सारे इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू टू पे थे, एक्साइट हुए, एक्साइट होके अपर लेवल पे चले गए, बहुत सारे अपर लेवल पे जा चुके हैं एक्साइट होके। तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नंबर ऑफ शेल इस लाइन पे आया हो और डी एक्साइट होकर वापस अपनी लेवल पर आ गया एन इज इक्वल टू टू पे। हो सकता है कोई एक्साइट होकर फोर पे चला गया हो इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइट होकर दोबारा ये टू पर आ गया। हो सकता है ऐसे ही फाइव पे गया हो, डी एक्साइट होकर वापस अपनी जगह टू पर आ गया, है ना। पहले तो वन पर आ रहे थे, जो वन पर इलेक्ट्रॉन थे पहले वो एक्साइट होकर ऊपर गए, फिर वापस डी एक्साइट होकर वन पर आए। उन सीरीज को हमने बोला, उन वेव्स को हमने बोला लाइमन वेव्स, और उस पूरी सीरीज को हमने बोला लाइमन सीरीज। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन टू पर थे शेल में, अब वो एक्साइट होकर ऊपर गए और अब वापस वो डी एक्साइट होकर नीचे आ रहे हैं। अब वो सीरीज कौन सी सीरीज पे आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू टू पे, क्योंकि वो पहले भी एन इज इक्वल टू टू पे थे। अब हो सकता है कोई फाइव पर होगा वो आ गया, डी एक्साइट होकर टू पे हो गया, मान लो सिक्स पर कोई था और वापस वो डी एक्साइट होकर टू पर आ गया। तो ये जितने भी सीरीज बन रही है ना, है ना, ये सारी ये तो वेव्स हैं, ये सारी सीरीज जो है इनको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज, जब n इज इक्वल टू कहां है, टू पे। ऐसे इन्फिनिटी से भी टू पर आ रहा होगा। तो इनके लिए लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग वेवलेंथ, कैलकुलेट करते हैं हम लोग वेवलेंथ किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। तो पहले मैं काउंट करती हूँ, अगर एन इज इक्वल टू थ्री से एन इज इक्वल टू टू पर आ रहा है तो ठीक है, पहले किसके लिए कर रहे हैं हम, एन इज इक्वल टू थ्री टू एन इज इक्वल टू टू पे आ रहा है। फॉर्मूला वही, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। वैल्यू रखें हाइड्रोजन एटम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वन का स्क्वायर, एन वन पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टू, क्योंकि अब लेवल टू है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये एन वन है, ये एन टू है। ठीक है, तो n1 पे वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस n2 पे कौन सी वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर। अब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 का 1 रहेगा, ये क्या आएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, एलसीएम कितना आएगा, 36, 4 9 था एंड 9 4 था, 9 में से 5 गया, कितना 5 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 36 बाय 5, दैट इज 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर की वैल्यू हमें पता है क्या है, 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है ना 911 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है, रखें तो लैम्डा इज इक्वल टू 911 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 5। इन सबको कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 6559.2 आ रहा है, बट आप इसको काउंट कर लो 6559 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी जो ये वाली सीरीज है ना इसकी वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, 6559 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। अब ऐसे ही मैं इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, क्या करना होगा ये एन टू की जगह क्या लिख दो, इनफाइनाइट, क्या लिख दो, इनफाइनाइट। बाकी सारी वैल्यू चलो करते हैं कैलकुलेट, रखते हैं एन वन की जगह यहाँ पर टू स्क्वायर की जगह, तो टू स्क्वायर ही आएगा, थ्री स्क्वायर की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट, ये टर्म वापस कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं चल रहे हो, ये नीचे का मिटाते हैं। अब हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जब n टू किसके लिए हो, मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे आ गया हो और वापस किस पे आ रहा हो, n इज इक्वल टू टू पे, तो n टू की जगह तो यही टू स्क्वायर आएगा, और n वन की जगह तो यही टू स्क्वायर आएगा, n टू की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट की टर्म कैंसिल, मतलब जीरो आ जाता है तो हो जाता है खत्म, r ये हो गया वन अपॉन फोर, यानी ये आ जाएगा r बाय फोर, और लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय आर, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 911 मल्टीप्लाई बाय 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4436 एंड स्ट्रॉन्ग। यानी बामर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू इनफिनाइट 2 अगर 2 पे आता है तो ये सीरीज का क्या होगा 3644 एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, ये सारी चीज समझ में आई होगी। अब आप देखो मैं आपको बताऊं, जो बामर सीरीज है ना, बामर सीरीज के लिए आप अलग से फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वही चीज है कि एन वन की जगह आप टू को फिक्स कर दो, ठीक है ना, और एन टू की जगह वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब देखो जो बामर सीरीज होती है ना वो विजिबल होती है, क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम से जो वो वाइट ग्योर नहीं होती, जो रेनबो की जो लाइट होती है बेसिकली, जो हम बोलते हैं व्हाइट लाइट से जो निकलती है वाइट ग्योर, तो उनकी विजिबिलिटी जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है, और इसकी जो रेंज है ना वो 4000 के अंदर आती है, ठीक है ना, तो ये जो होती है वो विजिबल रेंज होती है। ये कैसी होती है, विजिबल रेंज, इनको हम देख सकते हैं, ये विजिबल रेंज में आती है बामर सीरीज, ठीक है ना, बामर सीरीज किस रेंज में आती है, विजिबल रेंज। तो ये बामर सीरीज हो गई, अब मैं आपको सारी एक साथ बताती हूँ, है ना। अब क्या है, मैं सारी एक साथ बना रही हूँ, आपको एक साथ समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा लंबा लंबा बनाऊंगी, एन इज इक्वल टू वन पे, एन इज इक्वल टू टू पे, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि समझ में आपको अच्छे से आएगा, एन इज इक्वल टू टू पे, एन इज इक्वल टू थ्री पे, एन इज इक्वल टू फोर पे, एन इज इक्वल टू फाइव पे, एन इज इक्वल टू सिक्स पे, एन इज इक्वल टू सेवन पे, और ऐसे ही मैं करते जा रही हूं आगे, इनफाइनाइट तक, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये बैंड एनर्जी लेवल का कौन सा है, जब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाला है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या देखा, अगर सपोज करो पहले हम लाइमन सीरीज देख रहे हैं, मैं एक साथ सारी सीरीज आपको बता रही हूं, लाइमन सीरीज क्या थी, टू पर है तो वन पर भी आई, थ्री पर है तो वो वन पर आई, फोर पर है तो भी वो वन पर आई, सारी की सारी कहां पर आ रही है, वन पर आ रही है, वन पर आ रही है। इनको हमने क्या बोला, लाइमन सीरीज, क्या बोला, लाइमन सीरीज, एन इज इक्वल टू वन पर आ रही है, ठीक है ना, ये लाइमन सीरीज होगी। बामर सीरीज क्या थी, जो कि थ्री से भी टू पर आ रही थी, फोर से भी, फाइव से भी, सिक्स से भी, सेवन से भी, इनफाइनाइट से भी, तो इन सारी सीरीज को हमने क्या बोला, बामर सीरीज, जो एन इज इक्वल टू टू पे आ रही थी। अब कुछ है मतलब सीरीज है, कुछ वेव्स हैं जो बेसिकली जो कि एक्साइट होकर, जो थी तो थ्री पर बट एक्साइट होकर गई अपर लेवल पर, फिर वहां से डी एक्साइट होकर यानी नीचे गिरकर वापस कहां पर आ गई, एन इज इक्वल टू थ्री पर। तो मान लो फोर पर कोई थी वो थ्री पर आई, फाइव पर थी वो थ्री पर आई, सिक्स पर थी वो थ्री पर आई, सेवन पर थी वो थ्री पर आई, ऐसे ही एट पर, नाइन पर, ऐसे करके सारी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो थ्री पर आई
उनको हमने क्या बोला, जो थ्री पर आए उनको हमने क्या बोला, पैशन सीरीज, पैशन सीरीज एन इज इक्वल टू थ्री के। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको, पैशन सीरीज, ठीक है, पी ए एस सी एच ई एन, पैशन सीरीज, ठीक है, ये वाली सीरीज बोल रहे हैं, इसको ढंग से लिखते हैं। एल इज इक्वल टू थ्री के लिए, है ना। अब कुछ थी जो कि डी एक्साइटेड यानी वापस नीचे गिरकर कहां पर आई, फोर पर आई, फाइव से फोर पर आई, सिक्स से फोर पर आई, सेवन से फोर पर आई, एट से फोर पर आई, नाइन से फोर पर आई, ऐसे करके इनफाइनाइट से फोर पर आई। तो जितनी भी फोर पर आई उनको हमने क्या बोला, क्या बोला उनको हमने, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, जितनी भी वेव्स आई वापस फोर पर उसको हमने क्या बोला, ब्रैकेट सीरीज, यार इज इक्वल टू फोर पर आई। ठीक है, अब कुछ थी जो कि फाइव पर आई, ठीक है, फाइव पर आई, ग्राउंडेड लेवल पे वो फाइव पे थी, एनर्जी पाकर ऊपर चली गई थी, वापस से गिरकर एनर्जी त्याग कर छोड़कर वापस से फाइव पर आ गई। तो जो भी फाइव पर आई, जैसे सिक्स पर थी, सेवन पर थी, एट पर थी, नाइन पर थी, ऐसे करके इनफाइनाइट से ये सारी सीरीज जो आई इनको हमने बोला प्रिफर्ड सीरीज। फंड सीरीज बोलते हैं, पी साइलेंट है और सीरीज, इसके लिए एन इज इक्वल टू फाइव है। आगे भी सीरीज होती है, एक होती है हमफ्री सीरीज, हम फ्री सीरीज जो कि n इज इक्वल टू सिक्स पर आके गिरती है, ठीक है ना, तो वो भी है, बट हमें तो यहां तक पढ़ना है फ्रेंड सीरीज तक। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको बताया जो लाइमन सीरीज है, अगर n इज इक्वल टू n पर गिरते हैं इलेक्ट्रॉन वापस से डी एक्साइट होके तो उसे लाइमन सीरीज बोलेंगे, n इज इक्वल टू टू पर गिरते हैं तो बामर सीरीज बोलेंगे, n इज इक्वल टू थ्री से गिरते हैं तो पैशन सीरीज, फोर पर गिरते हैं तो ब्रैकेट सीरीज, फाइव पर गिरते हैं तो फंड सीरीज। ठीक है, अब देखो लाइमन सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में नहीं आते हैं, ये कौन से रेंज में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेंज में, अल्ट्रा रेंज में आते हैं। बैमर सीरीज किस रेंज में आते हैं, विजिबल रेंज में, मैं इसको यहां मिटा के लिखती हूं, विजिबल रेंज में आते हैं। ठीक है, पैशन सीरीज किस में आते हैं, पैशन सीरीज किस में आते हैं, बाकी पैशन और ब्रैकेट के दोनों किस में आते हैं, शॉर्ट इंफ्रारेड सीरीज में, इंफ्रारेड रेंज में, ये भी शॉर्ट इंफ्रारेड रेंज में, शॉर्ट इंफ्रारेड रेंज में, और ये वाला जो पैशन है वो किस में आता है, लॉन्ग इंफ्रारेड रेंज में। ठीक है, तो ये सारा है सीरीज का, बामर विजिबल में, ये शॉर्ट में, ब्रैकेट शॉर्ट में, प्रोफेंड जो है वो लॉन्ग इंफ्रारेड रेंज में आता है। तो इस तरीके से ये सारी इनकी रेंज जो है डिफाइन है। यहां पर आप देखो कि लेंथ जो है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, इधर से इधर तक वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारी की सीरीज, हमने सारी सीरीज पढ़ ली है। अब क्वेश्चन कुछ जो है एक उठ के आता है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको एकदम नोट कर लीजिए। तो देखो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जेई में भी पूछ लेता है। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, एन इज इक्वल टू वन वाला ये एनर्जी बैंड, एन इज इक्वल टू टू वाला, एन इज इक्वल टू थ्री वाला, एन इज इक्वल टू फोर वाला, मैं यहीं तक ही ले रही हूं। सपोज करिए फोर पर जो है कोई एक्साइट होकर, मतलब एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन चला गया है और उसे वन पर आना है, ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि वो वन पर आ जाए, ठीक है, और आपसे ये पूछेगा कि भाई मुझे बताइए हाउ मेनी ट्रांजेक्शन, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उसकी, मतलब टोटल वो किस तरीकों से आ सकता है नीचे, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस उसकी होंगी, कितने तरीकों से वो नीचे आ सकता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल, ठीक है, कितने तरीके से वो नीचे आ सकता है। एक तो वो डायरेक्ट आ सकता है, हो सकता है वो ऐसे भी आए, पहले n इज इक्वल टू थ्री पर आए, फिर n इज इक्वल टू थ्री से टू पर आए, फिर वो टू से वन पर आए स्टेप वाइज, हो सकता है वो फोर से डायरेक्ट पहले टू पर आ जाए, फिर टू से वन पर आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो पहले n से फोर से थ्री पर आए और फिर वो डायरेक्ट थ्री पर आके वन पर आ जाए, हो सकता है ना। तो ये इतने तरीके बन रहे हैं और कोई तरीका मुझे नजर आ नहीं रहा। तो देखो
टोटल आप सोचो कि इसमें कितनी लाइन है। अगर मैं निकालना चाहूं तो पहले तो लाइन ये बन रही है, ये वेवलेंथ आ रही है एन इज इक्वल टू जब वो 4 से 1 पर आ रहा है, पहले लाइन काउंट कर ली प्लस। अब दूसरी लाइन देखो, एक तो ये लाइन मिल रही है हमें अलग से, एक दो और तीसरी ये तीन, तीन ये मिल गई हमें प्लस। अब इसमें देखो यहां से लेके यहां तक हमें मिल रही है पहली। अब क्या यहां से लेके इसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस तरीके से आ चुकी है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी एक जैसी आ चुकी है उसको, मतलब जो तरीका ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं ना, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो ये तरीका तो यहां पर आ चुका है, इसको हम कट करके सिर्फ यही इंक्लूड करेंगे, यानी 1 प्लस। अब दूसरा तरीका क्या है, 4 से 3 पर आए फिर 3 से 1 पर आए, तो देखो 4 से 3 वाला तो ये तरीका तो इससे मैच कर रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम ये काउंट कर चुके हैं। ये वाला यहां से लेके यहां तक हम लोग लेंगे, यानी 1। टोटल कितने लाइन हो गई, 3, 4, 5, 6, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रही है। मतलब 6 तरीकों से वो आ सकता है ना, डायरेक्ट भी आ सकता है, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रही है। आप देख लो, ये बोलेंगे 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। अब एक तो ये लॉन्ग कट है, इसका आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है। शॉर्टकट क्या है फॉर्मूले का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स या फिर ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हो आप। क्या फॉर्मूला है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। चलो अब हम लोग निकालते हैं, इसी के लिए हम लोग निकालते हैं कि n 2 तो कितना है 4, n1 कितना है 1। निकाले वैल्यू पुट करते हैं, n2 की वैल्यू 4 माइनस n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 4 माइनस n1 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 2। 4 माइनस 1 3, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये 4 और अपॉन में 2, 3 4 12 अपॉन 2, दैट इज 6। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म से भी 6 निकाला, शॉर्ट टर्म से भी 6 निकाला, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बिटवीन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट फ्रॉम एन इज इक्वल टू 4 to 1, हो सकता है एन इज इक्वल टू 5 to 1 भी पूछ सकता है, या 5 से 2 भी पूछ सकता है, 5 से 3 कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक ही था, मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे के लिए हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हमें आगे पढ़नी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का कुछ हमने आज क्लियर किया है, तब तक के लिए आज सिर्फ इतना ही, इसको आप पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।